दतिया में आज कांग्रेस कार्यालय पर डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में किला चौक पर जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार नितेश भार्गव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में लगातार की जा रही भारी वृद्धि से आमजन का जीना दूभर कर दिया है। प्रदेश सरकार वैट टैक्स लगाकर भारी भरकम वसूली से आमजन, किसान, ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी महंगाई के बोझ से परेशान हैं। साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरफ्तार किया, उसकी जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करता है। आम जनों का जीना दुर्भर हो गया महंगाई की वजह से, ये हमारा मुद्दा है। दूसरा है हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को लखीमपुर खैरी में जिस तरह से बगैर उनको कोई सूचना दिए, ना कोई उनके केस रजिस्टर्ड है, उसके बाद उनको 36 घंटा हिरासत में रखा गया। उनको बिल को लेकर हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम से आप सतर्क न हो। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।